हम सब ने असाइनमेंट्स करने के लिए या फिर एग्जाम के एक रात पहले पढ़ाई करने के लिए नाइट जरूर मारी है, और जैसे ही वो एग्जाम खत्म हो जाती है या फिर वो असाइनमेंट सबमिट हो जाता है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है दैट आई नीड स्लीप। हम इतने ज्यादा थक जाते हैं कि हम चाह कर भी जगे नहीं रह सकते। पर अगर मैं आपको ऐसे इंसानों की कहानी बताऊं जो 90 सालों तक नहीं सोए, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बिकॉज साइंटिफिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बॉडी टू फंक्शन आफ्टर 80 आवर्स ऑफ नो स्लीप। तो ये अजूबा कैसे हो गया कि कोई 90 सालों तक नहीं सोया है? ये कहानी है थाई नॉक की, जो 48 ईयर्स तक नहीं सोए थे, और एल हर्पिन की, जो 90 ईयर्स तक नहीं सोए थे। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एज वी टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट थाई नॉग। ये एक वियतनामीज फार्मर है जिनकी उम्र 79 ईयर्स है। इनका कहना है कि ये पिछले 48 ईयर्स से सोए ही नहीं है। आपको विश्वास नहीं हो रहा ना? मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। जब वियतनाम के लोगों को इसके बारे में पता चला, तब सबको यही लगा कि ये ब्लफ कर रहे हैं, या तो इन्हें पॉपुलैरिटी चाहिए या तो पैसे। पर धीरे धीरे इसके बारे में बाकी लोग को भी पता लगने लगा। थाई नॉक के गांव वालों ने ये नोटिस किया कि थाई नॉक पूरी रात भर बैठ के काम करा करते थे। ये बात अब वियतनाम से भी बाहर जाने लगी और इसको पूरे दुनिया का अटेंशन मिलने लगा। इसमें भी एक दुविधा थी, थाई नॉक को किसी और से मिलना ही नहीं था। लोगों को लगने लगा था कि ये एक बीमारी है और इसका इलाज करवाना होगा, लेकिन थाई को ये मंजूर नहीं था। कई डॉक्टर्स और दूसरे देशों से आई मीडिया थाई को बुलाने लगे, लेकिन थाई ने किसी की नहीं सुनी और वो अपने फार्मिंग के काम में जुट गए। फिर बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली उन्होंने एक न्यूज चैनल डैन नियन न्यूज पर आने के लिए हाँ कह दिया, और उन पर एक डॉक्यूमेंट्री शूट हुई ये जानने के लिए कि वाकई में ये सब कुछ पॉसिबल है या नहीं। और इससे पता चला कि आखिर मामला शुरू कैसे हुआ, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक दिन कम सोकर अगले दिन हम ज्यादा नींद ले ले। यहाँ बात हो रही है 48 इयर्स की, और दाव पर लगा है सिर्फ एक स्टेटमेंट जिस पर कोई विश्वास नहीं करने वाला था। जब थाई नॉक 31 साल के हुए, तब उन्हें हाई फीवर हो गया था। ये फीवर इतना ज्यादा हाई था कि उनका सोना अब हराम हो चुका था, और देखते ही देखते ये फीवर एक दिन से एक हफ्ते में बदल गया, और एक हफ्ते से एक महीने में बदल गया, और अब थाई नॉक एक महीने से नहीं सोए थे। हालांकि इनका फीवर तो कम हो गया, लेकिन इसके बाद ये दूसरे बीमारी के शिकार हो गए, इंसोम्निया। इंसोम्निया को अगर हम सिंपल वर्ड्स में ब्रेक डाउन करें तो ये एक ऐसा स्लीप डिसऑर्डर है जहां पर सोते समय अगर कोई भी चीज यहाँ वहाँ हो जाए तो इंसान काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। कोई भी छोटी इरेगुलरिटी की वजह से इंसान सो नहीं पाता है। इसका मेन कारण है एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई इलनेस या फिर कोई मेडिकेशन। और इसका ट्रीटमेंट कई वेरियस फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, इंक्लूडिंग बिहेवियरल थेरेपी। इसके कई भयंकर साइड इफेक्ट्स भी है। मान लो अगर कोई इंसान 80 घंटों से ज्यादा जाग ले, जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, तो वो इंसान हैलुसिनेट करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान इतना ज्यादा स्लीप डिप्राइव था कि उसे लगा कि वो आईसीयू में एडमिट है और उसके बाजू में एक पम्पकिन है जो उसे बात कर रहा है, लेकिन असलियत में वो अपने घर के सोफा पर ही बैठा था। इतना ज्यादा स्लीप डिप्रिवेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, बिकॉज इसमें आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो और आपको अजीब अजीब चीजें देखने लगती है। इतना ही नहीं, स्लीप डिप्रिवेशन के वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड पर हावी हो जाता है। पर थाई नॉक का केस इससे भी ज्यादा अतरंगी है। उनमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नहीं दिखाई दिए। इनफैक्ट वो 79 इयर्स के हैं और अभी भी तंदुरुस्त है। उन्होंने बहुत ट्राई किया अपने आप को सुलाने का, मेडिसिन्स, देसी नुस्खे, यहाँ तक कि हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल भी कंज्यूम किया, लेकिन इतना नशा होने के बावजूद उनको एक पल की नींद नहीं आई। थाई नॉग ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब पूरा गांव सोता तब वो खेत जाकर उसकी हिफाजत करते फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स और अपना काम करते। इतना काम करने के बावजूद भी उनको कभी थकान महसूस नहीं होती। थाई को किसी भी तरह की पब्लिसिटी नहीं चाहिए थी। उन्हें कई सारे शोज ऑफर हुए, लेकिन उन्होंने सबको रिफ्यूज कर दिया। वो इतना कहते कि वो मदद करेंगे तो सिर्फ अपने लोगों की मदद करेंगे, उनको किसी और तरीके से पैसे नहीं कमाने थे। थाई नेवर टुक दिस एज अ डिजीज, इनफैक्ट ही टुक इट एज अ बून। कई लोगों ने चाहा कि उनका इलाज कराया जाए, इनफैक्ट उनको हॉस्पिटल तक भी लेके गए, लेकिन किसी भी डॉक्टर के पास इसका सुझाव नहीं था। ना सोने के वजह से उनको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं हुए, एंड टुडे ही इज लिविंग हिज लाइफ पीसफुली एज अ फार्मर, और वो काफी फिट और तंदुरुस्त है। थाई नॉग इनडीड डिड नॉट स्लीप फॉर 48 इयर्स। 48 इयर्स अनबिलीवेबल लगता है ना, लेकिन व्हाट इफ आई टेल यू एक ऐसा आदमी है जो 90 सालों से नहीं सोया है, तब आपका क्या रिएक्शन होगा? एल्बर्ट हर्पिन एक अमेरिकन व्यक्ति जो ये क्लेम करता है कि वो लाइफ में कभी सोया ही नहीं है। ही इज ऑल्सो नोन एज द मैन हु नेवर स्लेप्ट।
1862 में एल हर्पिन का जन्म हुआ था एट न्यू जर्सी और उनको फेम मिला व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई एट द एज ऑफ 94 इयर्स। उन्होंने ये क्लेम किया कि वो जिंदगी में कभी सोए ही नहीं थे। उनके इस क्लेम पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया। 1950s में फास्ट पेस टेक्नोलॉजी तो थी लेकिन मोबाइल फोन रेयरली किसी के पास था, तो अगर किसी को कुछ भी प्रूफ करना होता तो उसे उस जगह पर जाना मैंडेटरी था। इसलिए एल्बर्ट के घर भी काफी लोग पहुंच गए। जब लोग उनके घर पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि उनके घर पे कोई बेड था ही नहीं लेकिन सिर्फ एक चेयर थी। और एल्बर्ट ने ये क्लेम किया कि जब बाकी लोग सोया करते तब वो उस चेयर पर बैठ के अखबार पढ़ा करते। फॉरगॉटन हिस्ट्री के एक आर्टिकल में इसके बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है। इफ यू वांट टू रीड मोर अबाउट इट देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये बात 20th सेंचुरी में बहुत ज्यादा फेमस होने लगी और लोगों की इसके प्रति क्यूरियोसिटी भी बढ़ने लगी। ये बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि 2017 में रॉबर्ट क्विन नाम के एक ऑथर ने इस पे बुक लिखी दैट गोज बाय द नेम द मैन हु नेवर स्लेप्ट। इस बुक में ऐसा लिखा गया है कि अगर एल्बर्ट हर्पिन सच कह रहे हैं तो हम उनको सुपर ह्यूमन का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि ना सोना कोई नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। साइंटिस्ट ने आज तक ऐसा कोई ह्यूमन तो छोड़ दो लेकिन कोई ऐसा प्राणी नहीं ढूंढा है जो कभी सोया ही ना हो। लेकिन एल इतने फेमस हुए कैसे? क्या उनके इन क्लेम्स में कोई सच्चाई थी? वेल, लेट्स फाइंड आउट। कई नेशनल न्यूज़पेपर आर्टिकल जैसे कि ट्रेंटन न्यूज़ में ये कहा गया है कि एल्बर्ट के जन्म होने के बाद 15 साल तक वो सो ही नहीं थे एंड ही वॉज इन परफेक्ट कंडीशन। इस आर्टिकल के छपने के एग्जैक्टली एक साल के बाद एल्बर्ट ने ये क्लेम किया कि जब उनके बच्चे पैदा हुए उसके 16 साल तक वो नहीं सोए थे। इस बात को जस्टिफाई करते हुए एल्बर्ट ने ये कहा कि जब उनके बेटे का जन्म हुआ तब वो काफ़ी नर्वस हो चुके थे और जब 4 साल के बाद उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो चुके थे और इसके वजह से ही वॉज नॉट एबल टू स्लीप एट ऑल। कुछ महीनों बाद एक ऑब्जर्वेटरी लेबोरेटरी ने ट्रेंटन न्यूज़ को 7.5 लाख रुपए दिए टू चेक इफ एल्बर्ट कुड स्लीप द एंटायर नाइट और नॉट, लेकिन ट्रेंटन न्यूज़ ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर लिया। आने वाले सालों में कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए पर कोई भी प्रॉपर प्रूफ इकट्ठा नहीं कर पाया। ये सब के चक्कर में एल्बर्ट की लाइफ अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई थी। दैट्स व्हाई ही शिफ्टेड टू अ शैक एंड स्टार्टेड वर्किंग एज अ स्वीपर देयर। कई आर्टिकल्स ने ये भी कहा कि देयर वॉज अ टीम ऑफ डॉक्टर्स जो एल के साथ रहने लगे फॉर 7 days and 7 nights एंड दे वर शॉक्ड टू सी कि कोई इंसान 7 रातों तक कैसे नहीं सो सकता है और बाकी सारी एक्टिविटीज इतने नॉर्मली कैसे कर सकता है। पर इस पर भी कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया गया और अगर इस रिसर्च के कोई रिकॉर्ड्स है भी तो उन्हें छिपा दिए गए। अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट दे फील दैट एल्बर्ट वॉज अ विक्टिम ऑफ पैराडॉक्सल इंसोम्निया। इस बीमारी में इंसान को ऐसा लगता है कि वो जाग रहा है लेकिन असलियत में वो सोया हुआ होता है। इस बीमारी में ऐसा होता है कि एक इंसान अपने सराउंडिंग से वाकिफ होता है और वो सोता नहीं है, लेकिन जब उसके ब्रेन वेव्स को स्टडी किया जाता है तब ये मालूम पड़ता है कि यस दैट पर्सन वॉज स्लीपिंग। इसे स्लीप स्टेट मिसपरसेप्शन भी कहा जाता है। पर माइकल जोविट नाम की एक फ्रेंच स्लीप साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में एक 27 years के आदमी को ऑब्जर्व किया फॉर 4 months जिसमें वो एक भी बार नहीं सोया। इसे मॉर्विंस सिंड्रोम कहते हैं। इसमें इंसान पूरी रात सोता तो नहीं है लेकिन हर रात 20 मिनट्स तक उसे अजीब हैलुसिनेशंस एक्सपीरियंस होते हैं। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एल के क्लेम्स कुछ हद तक सही हो सकते हैं। तो ये थे 2 major cases जहाँ पर इंसान सालों तक नहीं सोए थे। इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ है वो तो हमें वक्त ही बताएगा। और अगर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ तो एल्बर्ट के टॉम स्टोन पे ये लिखा था दैट आई हैव नेवर स्लेप्ट बट ओनली रेस्टेड। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को।